वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं आपको यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड, पांच स्टॉक्स और एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिन लोगों को अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में वो दो स्टार रखने ही रखने हैं जो आपके म्यूचुअल फंड में होने चाहिए। उसके बाद आपके लिए स्टॉक्स में भी अगर आप बड़े बड़े नाम कुछ ऐड करना चाहते हैं अच्छी वैल्यूएशन पे तो यहाँ पे मिल जाएगा, और एक अच्छी ऐप पे यूज़ करना चाहते हैं, एक अच्छी ऐप पे आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको वो भी मिल जाएगा। सब बता दूंगा इस वीडियो में, स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ आगे चलेगी ना, ये सारी की सारी सीरीज़ मोस्टली बेस्ड रहेगी जो हम 50-60 स्टॉक्स का पूल बनाने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि हम उनमें से कुछ बाय कर सकें, और साथ ही हम म्यूचुअल फंड्स का भी एक पूल बनाएंगे जिसमें हम कुछ म्यूचुअल फंड पिक कर सकें। म्यूचुअल फंड तो मैं अभी के लिए एक्सेल शीट में ऐड करूँगा, और जो हम स्टॉक्स हैं वो धन ऐप में ऐड करेंगे जिसमें हमने जर्नी भी स्टार्ट की थी, और बहुत से लोग पूछते भी थे कि सर कौन सी ऐप है, और उसी में हम ट्रेडिंग भी कर रहे थे। तो उसी ऐप में हम अभी जाएंगे और वहीं पर हम ऐड करेंगे कुछ स्टॉक्स को, और उन्हीं 50-60 स्टॉक्स को हम हमेशा ट्रैक करते रहेंगे। जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी, वीडियो आएगी, उसके हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर सकते हैं, और 2023 में हम प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको ऐप पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप ऐप ओपन करोगे ना, तो अगर कोई भी आईपीओ होगा तो वहीं आपको दिख जाएगा कि आपका आईपीओ, मतलब आप जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ रहती है, और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन अभी के लिए मैं अगर बात करूँ तो मैं आपको कुछ फीचर्स बताता हूँ अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, और अगर आप एक ट्रेडर हैं, और ओवरऑल फीचर्स भी मैं आपको बताता हूँ। ऐप के बारे में ओवरव्यू हम अगली वीडियो में दे देंगे, लेकिन अभी के लिए ये बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स भी बताऊंगा। टेंशन नहीं लेनी है, अभी के लिए हम पहले ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, एक ऐड कर लेता हूँ जिसके लिए मैं आया हूँ अभी ऐप पे, तो वो है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड्स बहुत तगड़ी कंपनी है, अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे, इसका 3 ईयर का जो मीडियन पी है उससे नीचे है, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। और वहाँ पे SBI कार्ड्स की जो ग्रोथ है वो भी बहुत तगड़ी है, और जो इनका NP है वो भी उतना ज़्यादा हाई नहीं है, 0.78-0.68 के अराउंड ही हमेशा हर क्वार्टर में रहा है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकती है, क्रेडिट कार्ड इशू करती है, और अब भी नए नए क्रेडिट कार्ड इनके आते रहते हैं। आप SBI की साइट पे भी देखोगे और नॉर्मली इनकी कार्ड्स की न्यूज़ देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अब मैं वापस चलता हूँ ऐप पे, ऐप के फीचर्स बताने पे, और आपको SBI कार्ड्स हमने ऐड कर दिया है, 4 स्टॉक्स अभी ऐड करेंगे और 2 म्यूचुअल फंड, ठीक है। लेकिन पहले छोटा सा ऐप के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर मैं धन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस, प्लेटफॉर्म फीस और AMC सब 0 है। उसके बाद इक्विटी डिलीवरी की अगर हम बात करें तो वो भी 0। ETF और IPO अगर आप खरीदते हैं तो कोई आपका नहीं लगने वाला कुछ भी। और हाँ, एक इंट्राडे या फिर अदर सेगमेंट्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, तो वहाँ पे आपको 20 रुपीज़, जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है इंडस्ट्री का, ठीक है। और बाकी अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात करूं तो यहां पे आप मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो ऑर्डर आप अगर फॉरएवर ऑर्डर लगाएंगे तो वो ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि बेशक 10 दिन बाद एग्जीक्यूट हो लेकिन वो होगा। उसके बाद जो प्राइस अलर्ट है वो भी लगा सकते हो, कि आपको एक प्राइस अलर्ट लगाना है, आप खुद ही जाके बाय करोगे, आप अलर्ट फॉरएवर बाय नहीं लगाना चाहते तो आप प्राइस अलर्ट भी लगा सकते हो। स्टॉक में ETF में सिप कर सकते हो, ये बहुत तगड़ी बात है। और डिविडेंड के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पे, क्योंकि डिविडेंड के लिए जितनी सहूलियत ये देता है ना कहीं नहीं मिलती, और पता भी नहीं लगता कितना डिविडेंड आ गया, बैंक स्टेटमेंट चेक करनी पड़ती है बार बार। तो यहाँ पे ये आपको डिविडेंड ट्रैकिंग भी देगा बहुत आराम से, और आपका पोर्टफोलियो स्मार्ट बना देगा। कैसे, वहाँ पे आप ये पता कर सकते हो कि आपके पोर्टफोलियो में कितना मिड कैप, कितना लार्ज कैप, किस सेक्टर में आपने कितना पैसा लगा रखा है, और कहाँ से आपको लॉस प्रॉफिट आ रहा है, सब बताएगा आपको। और चिंता मत करो, अभी ये सीरीज़ बहुत लंबी है, अभी तो यहाँ 5 स्टॉक्स, 2 म्यूचुअल फंड है, और भी आगे चीज़ें बताऊंगा, तो उसी सीरीज़ के साथ साथ भी मैं इस ऐप्स के फीचर्स भी और भी बताता रहूँगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और आप अपने ट्रांसफ़र्स भी कर सकते हैं शेयर, अगर आप अभी कहीं पे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, आइसबर्ग ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, यानी कि बड़े ऑर्डर्स को स्लाइसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, बास्केट ऑर्डर लग जाते हैं, यानी कि आप खुद की बास्केट बना सकते हैं, और शेयर्स प्लेज कर सकते हैं, वन टैप रिवर्स पोजिशन, ट्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द चार्ट्स, और डीप OTM, ITM, इनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जितनी फास्ट स्पीड में ये ऐप चलती है ना,
तो वहाँ पे ही आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर कोई ऐसी ऐप होगी ना जहाँ पे आप तेज़ी से ट्रेड नहीं कर पाओगे तो वो आपको नुकसान कमा के देगी। होपफुली आपको समझ आ गया होगा काफ़ी कुछ इस ऐप के बारे में, और बहुत से लोग ने जर्नी 1 और 2 पॉइंट के दौरान मुझसे पूछा भी था कि सर आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो। तो ये ऐप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और इसके साथ आपको बहुत सारे और फीचर्स मिलेंगे और इस सीरीज़ के दौरान ही आपको पता लगता रहेगा। इसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अब मैंने पहले आपको एक स्टॉक बता दिया था जो हमने ऐड किया था, SBI कार्ड्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं और भी अगर स्टॉक्स को ऐड करूं तो बर्जर पेंट धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहा है और सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की और 6th लार्जेस्ट एशिया की है। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इनके अब मार्केट में आ चुके हैं, जो मैं कह रहा हूं जिसमें ये मार्केट लीडर है। ऐसे ऐसे इनके नए इनोवेटिव प्रोडक्ट आते रहते हैं ना, जिसमें ये अकेले ही हैं, जिस तरह का सामान ये बेच रहे हैं। लेकिन अगर हम मार्केट लीडर की बात करें तो एशियन पेंट्स को आपको नहीं भूलना चाहिए, और एशियन पेंट्स के नंबर भी, ROE, प्रॉफिट ग्रोथ, और इनका स्टॉक प्राइस का CAGR देखोगे ना तो 20% से ऊपर है। यानी कि अगर आप किसी भी प्राइस पॉइंट पे बाय कर लोगे ना, और 1-1.5 साल अगर आप लॉस भी खा लोगे तो उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन आज आप हमारे थ्रू देख रहे हैं तो आपको एक अच्छे टाइम पे ही मैं बता रहा हूं कि अगर आप अब ले लोगे ना तो 1-1.5 साल का लॉस भी नहीं खाना पड़ेगा, आपको अगले साल तक प्रॉफिट दिखने लग जाएगा, और उसके बाद तो 20% का CAGR ये दे रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी देता रहेगा। उसके बाद 4th नंबर पे जो कंपनी है ना, वो बहुत ज़बरदस्त कह सकते हो आप, जिसकी वैल्यूएशन डाउन है, टाइटन कंपनी है इस समय। और कंपनी के बारे में आपको कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन में अगर ख़त्म करूं तो राकेश झुंझुनवाला को इस कंपनी पे बहुत विश्वास था, और उन्होंने बहुत करोड़ों रुपये इस कंपनी से बनाया था, और वो आगे बनाने की सोच भी रहे थे। जब वो इस दुनिया से गए तो उस समय भी उनके पोर्टफोलियो में टाइटन था, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घर में है और इस कंपनी से बिलोंग नहीं करता। मतलब कहने की बात है 70-80% हमारे आसपास के सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के होते हैं, और जो इनकी मार्केट पे पकड़ है, जो इनकी सप्लाई चेन है, वो बहुत तगड़ी है, ठीक है। और इस समय ये सारी की सारी कंपनियां अपने मीडियम PE से नीचे चल रही हैं, जो आप देख सकते हैं, और बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकती हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूं अगले साल जो 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो जबरदस्त रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है हर किसी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। देखो मिड कैप में ना PGIM इंडिया मिड कैप को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, तो PGIM इंडिया मिड कैप होना चाहिए, और क्वांट एक्टिव जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं कह रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों मिला के 30% तक होने चाहिए, और आपका पोर्टफोलियो इस 30% से काफ़ी अच्छा खासा जंप लेगा। बाकी 70% अगर आप बनवाना चाहते हैं पेड, तो उसके लिए मैं आपको नंबर दिखा दूंगा स्क्रीन पे, और अगर फ्री में तो आप कमेंट डाल सकते हैं। होपफुली आपको 2 म्यूचुअल फंड भी पता लग गए होंगे, स्टॉक्स भी पता लग गए होंगे, और ऐप के बारे में भी पता लग गया होगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में।